चोरी कमा
साल की। मेरे प्यारे ने तोले सेवा, मेरे प्यारे ने तोले सेवा।
लोक नृत्य हरियाणवी, दो दो हमने प्रतिभागियों को ले लिया। तो अब मैं आग्रह करना चाहूँगी कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र गुप्ता जी से कि वे मंच से हम सबको मुखातिब करें। आज अग्रसेन जी को मैं अपनी तरफ से, अपनी मैनेजमेंट, अपने कॉलेज स्टाफ और सब जितने दर्शक और जितने स्टूडेंट बैठे हैं उनकी सबकी तरफ से कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि देता हूँ। देखो अग्रसेन जी के बारे में कुछ कहने ऐसा लगता है कि सूरज के सामने दिया जलाना। और अग्रसेन महाराज जी खुद क्षत्रिय वंश के थे, ये पशु बलि बंद करके उन्होंने ये वैश्य धर्म अपनाया था। तो जितने भी ये वैश्य समाज के हम सब लोग बैठे हैं, यदि हमारा डीएनए टेस्ट किया जाए तो सभी क्षत्रिय वंश के निकलेंगे। देखो मैं किसी जाति विशेष के उसमें पक्ष में नहीं हूँ, सब जातियाँ अच्छी होती हैं, पर यदि कहीं कोई भी किसी जाति में कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी तारीफ जरूर होनी चाहिए। जैसे कि जो प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है उसमें ज़्यादा तालियां मिल रही हैं, और जिसमें बच्चों को थोड़ा कुछ कम लग रहा है, एनर्जी कम फील हो रही है, तो उसमें कम तालियां मिल रही हैं। इसी तरह से देखो एक इतिहास की एक बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये उन दिनों की बात है जब हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, और उन दिनों मुगलों ने हमारे देश पे आक्रमण कर रखा था, और हर छोटे हिंदू राजा को वो हराकर अपने अधीन कर लेते थे। और धीरे धीरे ये माहौल हो गया था कि सारे देश पे मुगलों का राज्य होने वाला था। रेवाड़ी में, रेवाड़ी अपने हरियाणा में है, एक पूरन मल जी रहते थे, बहुत अच्छा उसका बिजनेस था, उनके लड़के का नाम था हेमचंद, ये वैश्य समाज के थे, और उनका जो बिजनेस था वो था शस्त्र बनाने का और अनाज सामग्री हिंदू राजाओं को बेचने का। वो काफी रियासतों को माल अपना बेचा करते थे। जब उनको ये पता चला, और जो उनका लड़का था ना हेमचंद, उसको लोग प्यार से हेमू बनिया बोलते थे, आजकल भी बहुत से लोग बोलते हैं बनिए के, तो बनिया कोई इस तरह का शब्द नहीं है, बनिया जो व्यापार करता है उसको बनिया बोलते हैं, तो उसको हेमू बनिया के नाम से पुकारा जाता था। जब उसको बिजनेस हेमचंद ने संभाला तो उसने जब देखा कि मुगल जो है हिंदू राजाओं को हराकर धीरे धीरे देश पे कब्जा करते जा रहे हैं, तो उसका हिंदू राजाओं से संपर्क तो था, उसने सारे हिंदू राजाओं को इकट्ठा किया। देखो इतिहास में आपको शायद नहीं पढ़ा होगा या कि बहुत से सुना हुआ, किताब में लिखा हुआ, किताब भी बताऊंगा कौन सी है। उसने सारे हिंदू राजाओं को इकट्ठा किया और अपनी जितनी उसके साथ पुरखों ने संपत्ति इकट्ठी करी थी अपने देश को बचाने के लिए उनको दी, और उनसे कहा कि आप सब शस्त्र बनाओ, सब हिंदू राजा इकट्ठे हो जाओ और इन मुगलों को यहाँ से हरा कर भेजो, नहीं तो देश पे कब्जा हो जाएगा। तो हिंदू राजाओं को जब पैसा मिल गया, उनको एक मुखिया मिल गया, तो उसने शस्त्र बनाए और लोगों को जितने हिंदू थे उनको समझाया कि देश की गुलामी से अच्छा है देश के लिए लड़ो। धीरे धीरे क्या हुआ जी, उन्होंने आगरा और ग्वालियर पे कब्जा कर लिया हेमू बनिया ने, और धीरे धीरे वो दिल्ली पे भी जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो सारे हिंदू राजाओं ने हेमचंद्र को ही अपना